देखिए ग्राफ कैसा है इसको बनने वाला है, हम लोग ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी और टाइम का, किस चीज का? तो इधर तो वेलोसिटी हमने दिखा दिया मीटर पर सेकंड में, और इस साइड क्या शो करें? और टाइम किस में शो करोगे? टाइम करोगे सेकंड में, ठीक है? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ और टाइम को सेकंड में शो करो। अब देखिए सपोज करो कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ऐसे, तो मैंने स्टार्ट यहाँ से मान, चलो ये पॉइंट है वो, ये ए, ये वाला बी, और ये क्या चीज सी। अब बताओ इसका इनिशियल कुछ वेलोसिटी है कि नहीं है? Yes. है, मैंने आपको बोला कि अगर ओ से स्टार्ट हो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और अगर ओ से थोड़ा ऊपर हो तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? यूज। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ये ओ से सी तक गया इसको क्या बोलते हैं? अब देखो अपने मन से ना हम लोग एक परपेंडिकुलर डालने वाले हैं, ठीक है? अपने मन से बी सी पे एक परपेंडिकुलर डाले जिसका नाम क्या है? डी। AD एक परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? अब जैसे इसको परपेंडिकुलर बनाया भाई ये रेक्टेंगल बन गया, ये अगर D था तो ये भी चीज क्या हो जाएगा? और ये अगर OAU था तो CD भी क्या हो जाएगा? होगा या नहीं? और A से B क्या हो रहा है? रिटार्डेशन की एक्सेलरेशन, तो यहाँ क्या होगा? A एक्सेलरेशन। खुद उससे देखो ग्राफ, हमने लिया कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी और किसका? टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ए से। कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसे आपने किससे बोला? यू बोला। ए से बी तक गया तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है? बढ़ रहा वेलोसिटी। और फिर वहां से ए से बी तक गया, और बी से सी तक ये आएगा कौन सा वेलोसिटी? फाइनल। ओ से सी तक ये क्या चीज था? टाइम पीरियड। हमने एक परपेंडिकुलर डाला एडी किसके ऊपर? डीसी के ऊपर। AD जैसे परपेंडिकुलर डाले ये रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल। AD इक्वल हो जाएगा OC के, ये T तो ये भी T, और ये OA इक्वल होता है CD के, अगर ये U तो ये भी U। तो कष्ट इसमें अब देखो दिक्कत भी सही। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ग्राफ से प्रूव करना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? V = U + AD होता है ना? तो देखो जल्द से अब मैं ये लेता हूँ BC, B से C, BC is equal to, ठीक, BC को आप क्या लिख सकते हो? BD plus CD नहीं लिख सकते? Yes, अरे पूरा इतना लंबा BC है, उसको लिख सकते हैं BD plus क्या चीज? BC। इससे मैंने बोला equation first, कोई दिक्कत आपको? ना एक step लेके equation first बोला, मेरे ही दिक्कत। BC को हम क्या बोल सकते हैं? V। देख लो भाई BC को क्या बोला गया? V। BD को कुछ नहीं बोल सकते। CD को क्या बोल सकते हो? इसे इक्वेशन फर्स्ट मैंने बोला। अब जरा सा इस फिगर को देखो, A, D और B को, ये यहाँ A था, यहाँ क्या है? D, और यहाँ क्या चीज है? B, और ये है परपेंडिकुलर। अच्छा तुमको इसमें पता है ना AD क्या चीज है? टाइम T, और BD नहीं पता, लेकिन ए भी पता है ये क्या चीज है? ए है ना? अब जब तो मैथ्स में ना, अब 11 में चला गया स्लोप, स्लोप का एक फॉर्मूला है, स्लोप मतलब ढाल, और स्लोप का नाम यहाँ क्या है? ए बी। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का फॉर्मूला ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा यार, स्लोप का फॉर्मूला ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? अब स्लोप का नाम तो ए बी बाबू, परपेंडिकुलर क्या चीज है? बी डी, और बेस क्या है? ए डी, है ना? Yes, ये ए बी, ये बी डी, और ये क्या चीज? ए डी। अच्छा ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए। बी डी की जगह नहीं कुछ लिख सकते हो, कुछ नहीं दिया गया। ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं? टी। कुछ नहीं है, इसके नीचे तो कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हम लोग, तो यहाँ सारा बी डी इज इक्वल टू क्या चीज? इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर कौन सा? सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट, इसका वैल्यू इधर मैं पुट कर लूं, उठा के सेकंड, ठीक है? यहां पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट, भी की जगह भी, b
बी डी के जगह क्या हो जाएगा ए टी प्लस यू, वो तो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बी इक्वल टू क्या चीज यू प्लस ए टी, क्या ले रहा था बस एक डंडा के सारे इक्वेशन निकल गया, आसान है कि हार्ड है, तो ये कभी नहीं आएगा, तुम जानते ही हो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, और वो देखो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे आसानी से। अच्छा इस पूरे फिगर को देखो, ठीक है ये पूरा फिगर ट्रेपीजियम लग रहा है, देखने का ऐसा है ये कुछ स्थिति, अब ये नहीं बोल रहा कि सब ट्रेपीजियम नहीं है, तुम ऐसा वाला ट्रेपीजियम आज तक देखे होगे, ये है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसमें अपोजिट साइड एक साइड, तो ट्रेपीजियम उसको बोलते हैं कि बस एक साइड पैरेलल होना चाहिए, ये इसके पैरेलल है मतलब ट्रेपीजियम है, ये इसके पैरेलल है मतलब ट्रेपीजियम है, ये था आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जिसमें ये साइड इसके इक्वल भी होता था, और तुम यही वाला पढ़े हो ट्रेपीजियम, ठीक, लेकिन ये भी एक क्या चीज है, ट्रेपीजियम का डेफिनेशन ही है, इट इज अ मैथमेटिकल फिगर इन विच अपोजिट साइड्स वन अपोजिट साइड इज पैरेलल, एक पेयर इसका पैरेलल हो, तो ये इसके पैरेलल नहीं है, पैरेलल मतलब क्या चीज, दोनों आपस में कभी ना मिले, चलते चला जाए, तो वैसे ही ये देखो क्या चीज था ट्रेपीजियम। अब इसका नामांकन कुछ इस प्रकार से है, ये ओ, ये क्या चीज ए, ये क्या है बी, नहीं गलत दिए ना नामांकन, ये ओ, ये ए, ये बी, और ये वाला क्या चीज सी, और बीच में क्या है डी, है ना। अच्छा इस ट्रेपीजियम को भी तुम फुर्सत से देखो, तो ऐसा लगता है कि ये बीच में एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रायंगल है, नहीं लग रहा है, मैं तुमको स्क्वायर लगा हूं खराब कर दूंगा। अब ठीक लग रहा है, अब स्क्वायर नहीं लगेगा आपको सब, तो इस तरीके से ये भी ट्रेपीजियम है लेकिन। अच्छा इसका नाम क्या करें, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, अब इस फिगर का हमें एरिया निकालना है, हमने लिखा है एरिया ऑफ फिगर, नाम देखो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी में ये पूरा फिगर आ जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी इज इक्वल टू, अब इस पूरे ओ ए बी सी को दिखाने के लिए हम ये बोल सकते हैं ऋतिका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, बोल सकते हैं ना, एक रेक्टेंगल और एक क्या चीज है, समझ रहे नहीं सर, नहीं ना, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम था रेक्टेंगल का, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज ए बी डी, पक्का। अच्छा तुम ये भी पढ़े होगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा एल इंटू बी, होता है ना, और यहाँ जो लेंथ है वो लंबा वाला साइड कौन है ए डी, देख लो इस फिगर में कौन सा लंबा वाला साइड है ए डी, और छोटा वाला साइड क्या है ओ ए, तो ओ ए हो जाएगा क्या चीज ब्रेड्थ, और ए डी हो जाएगा क्या चीज लेंथ, होगा पीछे ऋषि सुन रहा जी, पीछे कब करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम क्या है ए डी बी, ये क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पढ़े हो सुन ट्रायंगल का फॉर्मूला, अब हाफ इंटू बेस क्या है ए डी, और हाइट क्या है भाई साहब बी डी, बेस ए डी और हाइट बी डी, ये वाला पुट करें उधर, करेंगे तुमने बोलोगे तब भी करेंगे। अब कोई भी क्लोज फिगर के अंदर अगर एरिया से निकलेगा ना तो क्या निकलता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये माइंड में मेकअप कर लेना, किसी भी क्लोज फिगर के भीतर अगर एरिया निकाल के देता है तो क्या होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन में भी आएगा ग्राफ वाले क्वेश्चन में पीछे एक्सरसाइज में, ये है डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, इसमें क्या हो जाएगा ए डी इंटू ओ ए, होगा ना ए डी इंटू, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ए डी और हाइट कितना है बी डी, बेस ए डी इंटू हाइट क्या चीज, चलिए ये एस है, ए डी का वैल्यू बताओ भाई क्या है
टी, एडी का वैल्यू टी, ओए का वैल्यू, ओए का वैल्यू यू प्लस हाफ इनटू एडी का वैल्यू। और थोड़ी देर पहले बीडी निकाले थे एटी, स्लोप के फॉर्मूला से बीडी निकाले थे, क्या चीज इसके पिछला इक्वेशन में भूल गए क्या? उन्हें पूछे थे कि बीडी का वैल्यू एटी कैसे, तो बीडी की जगह क्या रख सकते हैं, कहा लिखा तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी टी क्या हो गया एटी। अब बताओ तीन स्टेप, एक दो तीन, चौथा कौन सा है ना, कौन सा